सो हेलो गाइस क्रेजी अपडेट हियर सो आज की शूडियो में हम बात करेंगे जियो के सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान के बारे में सो so, अगर आप भी जियो के कस्टमर हो और सस्ते रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हो तो आज की शूडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देख लेना हर कोई सोचता है कि हमें कम बजट में अच्छे खासे बेनिफिट मिले तो इसलिए आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ प्लान्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि जियो में सबसे सस्ते प्लान है और इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा कितने दिनों का वैलिडिटी मिलेगा कितना आपको डाटा मिलेगा सारा कुछ डिटेल आज की में कवर करने वाला हूँ तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देख लेना सो जैसे कि आप सभी को पता है ईयर आने ही वाला है तो इस न्यू ईयर में आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में पहला प्लान आता है पंद्रह का यहाँ एक डाटा वाउचर प्लान है अगर आप पंद्रह रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो इसमें आपको एक जीबी का डाटा मिलेगा और इसका वैलिडिटी एक्टिव प्लान तक रहेगा अगर आपने एक महीने का कर रिचार्ज कराया है और आपका एक दिन का डाटा खत्म हो जाता है एक दिन में आपको एक जी मिलता है या फिर डेढ़ जी मिलता है या फिर दो जी मिलता है लेकिन अगर आपका डाटा खत्म हो जाता है तो आप पंद्रह का रिचार्ज करा सकते हो इसमें आपको एक का डाटा मिलेगा और इसका वैलिडिटी आपको एक महीने का देखने को मिलेगा यानी कि एक्टिव प्लान तक रहेगा सो जियो का सबसे सस्ता प्लान में से दूसरा प्लान आता है पच्चीस का यहाँ भी एक डाटा वाउचर प्लान है अगर आप पच्चीस का रिचार्ज करेंगे तो इसमें आपको दो जी बी का डाटा मिलेगा इसका डेटे एक्टिव प्लान तक रहेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अगर आप एक महीने का रिचार्ज कराएंगे तो एक महीने तक यहाँ चलेगा सो so, जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में तीसरा प्लान आता है पचहत्तर रुपये का यहाँ एक जियो फोन प्लान है अगर आप जियो फोन यूज़ करते हो तो पचहत्तर रुपये का आप रिचार्ज करा सकते हो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा इसमें आपको ढाई जी डाटा मिलेगा एक ही बार मिलेगा लेकिन आपको इसमें सौ सौ एम रोज दिया जाएगा प्लस आपको इसमें दो सौ एम एक महीने के लिए और भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा इसमें आपको पचास एसएमएस मिलेगा और इसका वैलिडिटी तेईस दिनों का होगा अगर आप जियो फ़ोन यूज़र हो तो इस प्लान का आप यूज़ कर सकते हो जियो फोन के लिए यहाँ सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है सो so, जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में चौथा प्लान आता है इक्यानवे रुपये का यहाँ जियो फोन यूज़र के लिए है जियो फ़ोन प्लान है अगर आप जियो फ़ोन यूज़र हो तो इक्यानवे रुपये का आप रिचार्ज करा सकते हो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा इसमें आपको पचास एस एम एस दिए जाएंगे इसमें आपको तीन जी बी का डाटा मिलेगा यानी कि डेली आपको सौ एम बी दिया जाएगा इसमें आपको एक्स्ट्रा दो सौ एम बी डाटा और मिलेगा और इसका वैलिडिटी अट्ठाईस दिनों का होगा सो जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में पाँचवा प्लान आता है एक सौ उन्नीस रुपये का इसे आप इस स्मार्टफोन जियो फोन दोनों में यूज़ कर सकते हो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा तीन सौ मिलेगा इसमें आपको इक्कीस जी बी डाटा मिलेगा यानी कि इसमें आपको रोज़ डेढ़ जी बी डाटा दिया जाएगा और इसका वैलिडिटी चौदह दिनों का होगा यह स्मार्टफोन के लिए सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है इसे आप स्मार्टफोन और जियो फोन दोनों में यूज़ कर सकते हो सो जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में छठा प्लान आता है एक सौ का यह स्मार्टफोन और जियो फोन दोनों के लिए हैं दोनों में आप इसे यूज़ कर सकते हो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा सब एस एस आपको डेली मिलेगा इसमें आपको बीस जी बी डेटा दिया जाएगा यानी कि इसमें रोज आपको एक जी बी डाटा दिया जाएगा इसका वैलिडिटी बीस दिनों का होगा सो so, जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में सातों प्लान आता है एक सौ पचपन रुपये का या एक अफोर्डेबल प्लान है यानी कि अगर जो रिचार्ज नहीं करा सकते एक सौ पचपन रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा इसमें आपको दो जी बेटा मिलेगा लेकिन आपको एक ही बार दिया जाएगा और इसका वैलिडिटी अट्ठाईस दिनों का होगा एंड इसमें आपको कोई भी एस नहीं दिया जाएगा अगर आप एक सौ का रिचार्ज कराते हो तो इसमें आपको केवल अनलिमिटेड कॉल मिलेगा दो डाटा मिलेगा अट्ठाईस दिनों के लिए सो जियो का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान में आठों प्लान आता है दो सौ उनसठ रुपये का अगर आप दो सौ उनसठ रुपये का रिचार्ज कराएंगे तो इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेगा इसमें आपको सब एस एम एस डेली दिए जाएंगे इसमें आपको डेढ़ जी बी डाटा डेली मिलेगा और इसका वैलिडिटी टोटल एक महीने का होगा यानी कि कैलेंडर के हिसाब से होगा अगर महीना तीस दिनों का है तो तीस दिनों का आपको वैलिडिटी मिलेगा इकतीस दिनों का है तो इकतीस दिनों का आपको वैलिडिटी मिलेगा कैलेंडर के हिसाब से यहाँ प्लान अवेलेबल है सो जियो में और भी डेटा प्लान आते हैं और भी जियो फोन प्लान आते हैं और भी स्मार्टफोन प्लान आते हैं बहुत सारे प्लान हैं लेकिन मैंने आपको सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान के बारे में बताया है सो आई होप आज के वीडियो को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना साथ में शेयर कर देना चैनल पर लेना तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट मिलता रहे चलिए आज इस वीडियो को यहीं इंड कर लेते हैं